एक बार एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो 10 साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाया। इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, विद्वता की इतनी ऊंची ऊंची बातें सिखा देते हैं कि हैरान होता है आदमी। मैं भी बहुत हैरान हूं। एक बार आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, दादाजी इतना दान क्यों करते हैं भारत में? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, भारत में धन के तीन ही अंतिम रास्ते हैं, धन के तीन ही अंतिम रास्ते हैं, या तो इसको भोग कर लो या तो इसको दान कर लो, नहीं तो ये चोरी चला जाएगा। या तो भोग कर लो या तो दान कर लो, नहीं तो चोरी चला जाएगा। भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। ये हमारे जीन में है, खून में है, डीएनए में है। भोग तो कर नहीं सकते, करेंगे तो एड्स से मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो भोग तो हम करते नहीं हैं। और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोड़पति हैं ना, नए वालों की बात नहीं करता, पुराने जितने भी करोड़पति हैं एक धोती और एक कुर्ता उसी में जिंदगी काट देते हैं। मैंने घनश्याम दास जी बिरला की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि दो या तीन जोड़ी कपड़े में जिंदगी बीत गई और हजारों करोड़ का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया, लेकिन उनकी आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल उल्टी है। शायद वो एक घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनूं, क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं। जिस आदमी ने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया शून्य में से, वो दो धोती दो कुर्ते या तीन धोती तीन कुर्ते में जीवन काट गया। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, पुराने करोड़पति, वो अंगोछा लपेटे ही जिंदगी बिता दिया, एक बनियान और एक नीचे टॉवल अंगोछा, बस खत्म कहानी। हम मानते हैं कि ज्यादा भोग अपने लिए नहीं है,